तो मकर राशि वालों के बारे में शैलेंद्र जी ने आपको बताया, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मकर राशि से कुंभ राशि में ही तो एंटर कर रहे हैं शनि भगवान 30 साल के बाद। तो ये जो राशि है वैसे भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि शनि 30 साल के बाद अपने घर आ रहे हैं और अपने प्रिय उसमें आ रहे हैं राशि में, और ये राशि मेरे लिए भी बड़ी खास है, तो मैं इलैबोरेट करके सुनना चाहूंगी कि क्या खास इनके लिए होने जा रहा है। देखिए, शनि का कुंभ राशि में प्रवेश मध्यम परिणाम देगा, मिक्स रिजल्ट देगा। अब चूंकि कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फायदे कहां हैं, ध्यान कहां रखना है। कुंभ वालों को रोजगार और धन के मामले में फायदा होगा, जैसे करियर में आपको प्रमोशन मिल जाए, आप करियर में किसी बड़ी जगह पर पहुंच जाए, कोई बड़ी ऊंचाई मिल जाए, आपको धन का लाभ हो जाए, यानी रोजगार और धन के मामले में निश्चित लाभ होगा। ध्यान रखना होगा आपको, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में, साझेदारी में जी। तो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि साझेदारी ब्रेक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको जिम्मेदारियां बहुत सारी निभानी पड़ेंगी, अपने जीवन साथी का, अपने मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। हड्डियों और नसों की समस्या से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए जो भौतिक जीवन है, पैसे का है, करियर का है, रोजगार का है, ये बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वहां पर थोड़ा कुंभ वाले ज्यादा ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर दें, क्योंकि कुंभ वालों की मुश्किल ये है कि वो दूसरों की सेहत के लिए, दूसरों की चीजों के लिए ज्यादा कंसर्न रहते हैं, अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर भी देना है, अपने वैवाहिक जीवन का भी देना है, बाकी रोजगार, पैसा, करियर, इन सब मामलों में आपके लिए कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं। यानी डरने की जरूरत नहीं है, मध्यम रहने वाला है, क्योंकि कह रहे हैं कि 30 साल बाद परिवर्तन है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों को ना आए, तो आप कह रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए डरने की जरूरत नहीं है, मिश्रित रहने वाला है उनके लिए फल। और अब हम बात करने वाले हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, इस राशि के लिए क्या खास है इस बार। अब धनु से साढ़े साथी उतरेगी और इनके और जीवन में प्रवेश करेगी, शुरू कर जाएगी जी। तो साढ़े साथी जब शुरू होती है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में ग्रहों के रिजल्ट आम तौर पर एवरेज होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मीन वाले अगर विदेश में है तो देश में आ जाएंगे, देश में है तो विदेश चले जाएंगे, ऐसा यानी स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए प्रबल रूप से बन रहे हैं और काफी दूर के योग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से निकल करके लखनऊ पहुंचेंगे, दिल्ली से निकलेंगे तो बंगलुरु पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, काफी दूर स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे। आपको अपनी आंखों का और सर दर्द की समस्या का ध्यान रखना होगा, आईसाइट में दिक्कत हो सकती है, खासतौर से लेफ्ट आईसाइट में, और माइग्रेन जैसी समस्या भी परेशान कर सकती है। पैसे आपके पास यकीनन आएंगे, पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट का ध्यान आपको रखना होगा। बेवजह कर्जा मत लीजिएगा, बेवजह पैसे मत बांटिएगा, और बेवजह जिसकी जरूरत नहीं है वहां इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन वैसे भी एवरेज है, इसके परिणाम भी एवरेज है।